एशियन न्यूज़ का पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, आपने जो बात कही है कि महिलाएं सड़क पे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई केंद्र सरकार नहीं सुन रही, कोई राज्य सरकार नहीं सुन रही, हम लोग इस विषय में लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस कि कोई सुनने को तैयार नहीं। तो अब हमने ये फैसला किया है कि अब ये आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम लोग, और इसके साथ साथ अब सड़क पर लड़ेंगे, और अब अंतिम लड़ाई होगी। इस अंतिम लड़ाई को लड़ने के लिए इसकी क्या रणनीति होगी, उसके लिए मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, सभी बहनों से, आंगनवाड़ी बहनों से, देश भर में जहाँ भी हैं, उत्तर प्रदेश में हों, हरियाणा में हों, महाराष्ट्र में हों, बिहार में हों, छत्तीसगढ़ में हों, झारखंड में हों, जहाँ भी हैं, सभी से मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इस आने वाली 20 तारीख को, यानी 20 मार्च को, गाज़ियाबाद के नवयुग मार्केट में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क है, उस पार्क में 2 बजे एक मीटिंग हम लोग आयोजित कर रहे हैं। अंतिम लड़ाई के लिए क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से हम अपनी मांगों को मनवाने में सफल हों, किस तरह से हमारा आंदोलन सफल हो, उसके लिए एक मीटिंग का हम आयोजन कर रहे हैं। और उस मीटिंग में 2-3 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी 60 दिनों तक आंदोलन चला, 21 अक्टूबर से लेके 21 दिसंबर तक। उस दौरान और उससे पहले भी और उसके बाद भी 6 महीने से आंगनवाड़ी बहनों को उनका मानदेय नहीं मिला है। वैसे ही कुछ नहीं है, 4,000 रुपये मात्र है, लेकिन वो भी पिछले 6 महीने से मिला नहीं है। नेताओं ने अपनी होली मनाई, खूब मजे से मनाई, लेकिन उन आंगनवाड़ी बहनों से, उनसे जरा पूछो कि उनकी होली कैसी मनी, उनके त्यौहार कैसे मने, उनके घर में क्या हालत है, कोई देखने को तैयार नहीं। अरे जो मानदेय है कम से कम वो तो दिया जाए। तो उस 6 महीने के लिए जो मानदेय है, जो नहीं मिला है, उसको लेके वो दिलवाया जाएगा। और दूसरा, जो हमारा 18,000, जो हमारी जायज मांग है कि हमारा वेतन 18,000 होना चाहिए, उस 18,000 वेतन को लेके, और जिन भी बहनों के खिलाफ किसी भी तरह की कहीं कोई कार्रवाई की जा रही है सरकार के माध्यम से, उस कार्रवाई को खत्म करने के लिए, और इसके अलावा और जो हमारी मांगे हैं उनको लेके, लेकिन ये 3 विशेष मांगे रहेंगी, हम सड़क पर उतरकर अब आंदोलन करेंगे। उसकी रणनीति फाइनल करने के लिए हमने 20 मार्च 2018 को गाज़ियाबाद के नवयुग मार्केट में डॉक्टर अम्बेडकर पार्क में 2 बजे मीटिंग बुलाई है। मेरा सभी बहनों से यही निवेदन है कि वो चाहे अपनी आंगनवाड़ी के किसी भी संगठन में हों, किसी भी संघ में हों, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। किसी भी संघ से, किसी भी संगठन से हमारा कोई विरोध नहीं है। किसी भी बहन को कहीं भी रहे वो किसी संगठन में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लड़ाई सबकी एक है, मांग सबकी एक है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए, उस मांग को मनवाने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए हम ये रणनीति बनाने जा रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं। इसलिए मेरा सभी बहनों से निवेदन है, मेरे पास जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं बहनों के, बार बार बहनें कह रही हैं कि क्या करें, और अब ये 6 महीने से जो मानदेय नहीं मिला इस विषय में कह रही हैं। तो इस सब को देखते हुए हमने एक मीटिंग बुलाई है। मेरा सबसे निवेदन है कि उस मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में आप शामिल हों। इससे आपके किसी भी कार्य पर कोई अनुचित या कोई भी विरोधी या कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा आपसे निवेदन है अपनी मांगों को मनवाने के लिए, आखिरी अंतिम लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं और इस मीटिंग में शामिल। ये सारी की सारी जो तरकीबें होती हैं सरकारी कर्मचारियों से काम लेने की, और सरकार की ये एक नीति होती है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम और भी कुछ नहीं, जब हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है, तो हम उस दिन जो है छुट्टी लेके भी तो आ सकते हैं हम, ठीक है, नहीं लेंगे हम, हमें मानदेय तो उतने ही दिन का मिलेगा जिस दिन का हम काम कर रहे हैं, नहीं लेते हम उस दिन छुट्टी लेके आएंगे, लेकिन अपनी लड़ाई तो लड़ेंगे। अगर हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए भी इतना समर्पण नहीं कर सकते, तो फिर लड़ाई के लिए कौन लड़ेगा लड़ाई, फिर आप किस बात की उम्मीद करते हैं कि आपको आपका हक मिल जाएगा। इसलिए आपको अपना जायज हक चाहिए तो लड़ना तो पड़ेगा, और लड़ना पड़ेगा सड़क पे। मैं एक उदाहरण आपको बता रहा हूँ, मेरी बहनें इस बात से समझ जाएंगी, मैं बार बार इस बात का इशारा कर रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, उनको समझ जाना चाहिए कि अभी 5-6 दिन पहले
महाराष्ट्र में नासिक से 30,000 किसानों ने सड़क पर पैदल मार्च किया और जिस दिन वो बॉम्बे पहुंचे उसी दिन महाराष्ट्र सरकार ने उन किसानों की सारी मांगे मान ली। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें सड़क पर उतरना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जिस दिन लाखों बहनें सड़क पर उतरेंगी उस दिन ये सरकार घुटने टेकेगी और हमारी मांग मानेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो 20 तारीख की मीटिंग है उसमें जरूर आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ ताकि रणनीति बनाई जा सके और फिर सरकार को अल्टीमेटम देके आंदोलन शुरू किया जा सके।